नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरिज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टोयोटा की बलेनो यानी कि नई ग्लैंजा और हुंडई एलिट i20 की तुलना करेंगे। मारुति के बजाय टोयोटा के शोरूम से बलेनो खरीदने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या टोयोटा के पास अब हुंडई से आगे निकल जाने का हथियार आ गया है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो ग्लैंजा और एलिट में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा तेज है, कौन सी गाड़ी ज्यादा आरामदायक है, कौन सी ज्यादा सुरक्षित है, कौन सी ज्यादा टिकाऊ है, किसका पकड़ संतुलन अच्छा है, किस गाड़ी में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं और किसकी कीमत कम है, इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरिज का एलिट i20 वर्सेस टोयोटा की बलेनो यानी कि ग्लैंजा कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों कार कंपेरिज के 4,00,000 सब्सक्राइबर होने के अवसर पर हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबके लिए हमने बनाया है एक माँ कसम सच्चा बायर्स गाइड और ये हम आप सबको भेजना चाहते हैं। दोस्तों हमारे आने वाले सारे वीडियोज में कहीं ना कहीं हम आपको एक पासवर्ड बताएंगे और ये पासवर्ड हमें वापस भेजने वाले लोगों को हम ये बायर्स गाइड फ्री में भेज देंगे। तो हमारे वीडियोज को अपलोड होते ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियो पब्लिश होने के बाद पासवर्ड भेजने वाले सिर्फ पहले 100 लोगों को बायर्स गाइड फ्री में मिलेगा। वीडियो में बोला हुआ पासवर्ड आपका शुभ नाम और पता डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे दर्ज कीजिए ताकि हमारा कुरियर आप तक पहुंच सके। दोस्तों बात करते कीमत और फीचर्स की। मैनुअल गियर वाली ग्लैंजा के टॉप एंड वी मॉडल की कीमत है सिर्फ 8.5 लाख रुपए, यानी कि मैनुअल एलिट के टॉप एंड एस्टा ओ मॉडल से 60,000 रुपए कम। एलिट महंगी जरूर है लेकिन उसमें 3-4 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, जो है साइड और कर्टेन एयरबैग, रियर एसी वेंट्स, कॉर्नरिंग लैंप्स और वायरलेस मोबाइल चार्जर। दूसरी ओर ग्लैंजा में भी 2-3 छोटे मोटे फीचर्स मिल जाते हैं जो एलिट में नहीं है, जो है फ्यूल कंप्यूटर और ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में 30-35 फीचर्स कॉमन है, जिनकी पूरी सूची आप यहां पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। टॉप एंड ऑटोमेटिक्स की बात की जाए तो ग्लैंजा वी सीवीटी एलिट एस्टा ओ सीवीटी से 30,000 रुपए सस्ती है। डीजल मॉडल्स की बात की जाए तो ग्लैंजा में फिलहाल कोई डीजल मॉडल उपलब्ध नहीं है। एलिट का टॉप एंड एस्टा ओ मॉडल ग्लैंजा के टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल से 2,00,000 रुपए महंगा है। दोस्तों बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। दोनों गाड़ियों में 1200 सीसी का इंजन है लेकिन ग्लैंजा में उसके साथ हाइब्रिड और बिना हाइब्रिड वाला पर्याय उपलब्ध है। हाइब्रिड ग्लैंजा में एलिट से 7 HP ज्यादा पावर मिलती है और नॉन हाइब्रिड ग्लैंजा में बिल्कुल एक समान एलिट के जितनी पावर मौजूद है। टॉर्क में भी कोई फर्क नहीं है लेकिन ग्लैंजा का वजन एलिट से 200 किलो हल्का है, इस वजह से एलिट का पिकअप ग्लैंजा से बहुत कमजोर है। ऊपर से इन दोनों गाड़ियों में लो RPM पे बिल्कुल भी पावर नहीं मिलती, जिसके कारण शहरी ट्रैफिक में बार बार गियर बदलने पड़ते हैं। एलिट के भारी वजन के हिसाब से उसका इंजन बहुत ही निर्बल है। गलती से भी आप ने ये धीमी एलिट खरीद ली तो आप 5-7 साल तक अपने निर्णय को कोसते रह जाओगे, यह बात याद रखना। ग्लैंजा में कम से कम हाई RPM पे तो बढ़िया पिकअप मिलता है। एलिट डीजल की बात की जाए तो फिर एलिट ग्लैंजा के आगे निकल जाती है। इसकी वजह है एलिट का 220 Nm टॉर्क, जो ग्लैंजा से लगभग दुगना है। एलिट डीजल में भी लो RPM पे टर्बो लैग की समस्या है, जिसके कारण 2000 RPM के नीचे पिकअप बहुत ही कमजोर है। लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त 3000-4000 RPM पे जो दमदार पिकअप मिलता है वो यहाँ के पेट्रोल मॉडल से कई गुना बेहतर है। दोस्तों पासवर्ड है #ToyotaGlanja. दोस्तों बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। एलिट का सस्पेंशन ग्लैंजा से नरम है, इस वजह से एलिट गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को ग्लैंजा से बेहतर सोख लेती है। दरअसल ग्लैंजा का सस्पेंशन ट्रेवल काफी कम है, इसलिए वह गड्ढों को अच्छे से सोख नहीं पाती। खुरदरे रास्तों पर एलिट ग्लैंजा से थोड़ी सी ज्यादा आरामदायक लगती है, लेकिन नरम सस्पेंशन की वजह से एलिट में काफी बॉडी रोल है और स्टीयरिंग भी कुछ ज्यादा ही हल्का है, जिसके कारण मोड़ों पर वह ग्लैंजा जितना कॉन्फिडेंस नहीं देती है। मोड़ों पर एलिट जल्दी अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। इसके विपरीत ग्लैंजा मोड़ों पर काफी अच्छी पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हो तो मोड़ों पर आपको ग्लैंजा चलाने में एलिट से काफी ज्यादा मजेदारी लगेगी, इतना याद रखना। दोस्तों बात करते हैं माइलेज की। ग्लैंजा का हाइब्रिड पेट्रोल मैनुअल मॉडल का ARAI माइलेज है 24 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि एलिट पेट्रोल मैनुअल से 4 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा। ग्लैंजा के बिना हाइब्रिड वाले मैनुअल मॉडल्स का ARAI माइलेज है 21 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि एलिट से 1 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर। ऑटोमेटिक मॉडल्स की बात की जाए तो ग्लैंजा CVT का ARAI माइलेज है 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर, जो एलिट से 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा है। अब ग्लैंजा में तो कोई डीजल मॉडल उपलब्ध नहीं है, मगर एलिट में उपलब्ध है, जिसका ARAI माइलेज है 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि हाइब्रिड ग्लैंजा से
डेढ़ किलोमीटर प्रति लीटर कम। गौर फरमाइए दोस्तों, आज हम इस दौर में आ चुके हैं जहां हाइब्रिड पेट्रोल गाड़ियां अपनी श्रेणी की डीजल गाड़ियों से बेहतर माइलेज दे रही हैं। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों के आकार में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन अंदरूनी जगह में ग्लेंजा एलीट से दो कदम। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों के आकार में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन अंदरूनी जगह में ग्लेंजा एलीट से दो कदम आगे है। दोनों गाड़ियों में 5 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है, मगर ग्लेंजा का पिछला सीट एलीट से थोड़ा सा स्पेशियस है। ग्लेंजा का बूट भी एलीट से थोड़ा सा बड़ा है, मगर जब इंटीरियर्स की तुलना करते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। ग्लेंजा के इंटीरियर्स बहुत ही गरीब और हल्के दर्जे के लगते हैं, दूसरी ओर एलीट के इंटीरियर्स बहुत उच्च दर्जे के हैं। एलीट में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की गुणवत्ता, उनका टेक्सचर, फैब्रिक और ट्रिम सभी ग्लेंजा से दो श्रेणी ऊपर के गाड़ी का एहसास दिलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। हुंडई ने पिछले 20 साल में अपनी गाड़ियों को कितना टिकाऊ और भरोसेमंद होती हैं यह साबित कर दिया है, लेकिन टोयोटा तो अलग लेवल पे है। टोयोटा की गाड़ियां पिछले 50 साल में पूरे विश्व की सबसे भरोसेमंद गाड़ियां साबित हुई हैं, यह तो पूरी दुनिया जानती है। अब इस पर टोयोटा किसी और उत्पादक को ने बनाई हुई गाड़ी अपने नाम से बेच रहा है, तो जाहिर है कि उसने यह गाड़ी टोयोटा के लोगो लगाने लायक है, तभी टोयोटा ने बलेनो चुना होगा। सुजुकी की गाड़ियों में हुंडई की गाड़ियों से अभी भी थोड़े से कम बिगाड़ पाए जाते हैं। टोयोटा की सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था भी हुंडई से साफ साफ बेहतर है। एलीट के स्पेयर पार्ट्स भी आज बलेनो से महंगे होते हैं। इस सब का नतीजा ये कि सेकंड हैंड मार्केट में टोयोटा की गाड़ियां आज सबसे बढ़िया रीसेल वैल्यू दिलाती हैं। वैसे एलीट की रीसेल वैल्यू भी बुरी नहीं है, लेकिन अब जल्द ही नई एलीट मार्केट में आने वाली है, जिसके कारण मौजूदा एलीट की रीसेल वैल्यू पर जरूर असर होगा और वह ग्लेंजा से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा डेप्रिसिएट होगी। दोस्तों समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों बात बहुत ही सीधी है, अगर आप मैनुअल गियर वाली गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो एलीट ग्लेंजा से साफ साफ बेहतर पर्याय है, लेकिन पेट्रोल एलीट नहीं, वो तो बहुत ही घटिया पिकअप वाली गाड़ी है। उसके विपरीत डीजल एलीट का पिकअप यहाँ पर सबसे बढ़िया पिकअप वाली गाड़ी है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो तब वो किस RPM पे चलती है। अधिकतर चालक 1500 से लेकर 3000 RPM के बीच में गाड़ी चलाते रहते हैं। बलेनो और एलीट का पेट्रोल मॉडल 4000 RPM के ऊपर अपना पीक टॉर्क देते हैं, जबकि डीजल इंजन 2500 RPM पे अपना पीक टॉर्क दे देता है। मतलब 2500 RPM पे पेट्रोल में आपको 100 NM टॉर्क मिलता नहीं है, जबकि उसी RPM पे डीजल में 220 NM टॉर्क मिल जाता है। अब आई बात समझ में, क्यों डीजल एलीट में ओवरटेकिंग के वक्त इतना दमदार पिकअप मिलता है। अगर आपका हफ्ते में 2-3 बार हाईवे पर रनिंग रहता है तो डीजल एलीट आपके लिए सबसे बढ़िया पर्याय है, मगर रोज 2 घंटे शहरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो ग्लेंजा ऑटोमेटिक आपके लिए बढ़िया पर्याय है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के मैनुअल मॉडल्स का लो RPM पे पिकअप बहुत ही खराब है। तो अगर आपको हर रोज क्लच गियर रगड़ने के झंझट से अपने आप को बचाना है तो ग्लेंजा CVT आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। एलीट के ऑटोमेटिक मॉडल से उसका पिकअप साफ साफ बेहतर है और रबर बैंड इफेक्ट की समस्या भी एलीट से काफ़ी कम है। हमारी नज़रों में तो टोयोटा ग्लेंजा ऑटोमेटिक इस तुलना की विजेता है। अगर आपको ग्लेंजा की और कंपैरिजन देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपकी मांग पता चले, और कमेंट सेक्शन में किससे तुलना करनी चाहिए यह जरूर बताइए। धन्यवाद।